बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ENI ग्रुप को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इस विजन को कराची के गली गली तक पहुँचाने में एक अपना रोल अदा किया। और इससे ना सिर्फ वो लोगों को आगाही दे रहे हैं, बल्कि वो लोग जो बहुत सालों से मकान लेने के काबिल नहीं थे या उनकी फाइनेंशियल ताकत इतनी नहीं थी, उनके लिए भी आसानी पैदा की। मैं ENI और उनकी पूरी टीम को एक रिक्वेस्ट और करूँगा इस मैसेज के थ्रू कि ना वो सिर्फ ये प्रोग्राम सिर्फ कराची तक नहीं रखें, बल्कि सिंध के तूलो अर्ज़ में और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में ले जाइए। इसमें हम आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान में बजाते खुद मोहम्मद हसन बख्शी भी पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें हम पार्टिसिपेट करें, लोगों को आगाह करें और जिस किस्म की मुहिम हम चलाना चाहें, एक वेल प्लान्ड मुहिम पूरे पाकिस्तान में चलाएं, ताकि लोग ये प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम है और विजन है कि हर आदमी का, हर इंसान का एक अपना मकान हो जिसमें वो बाइज्जत तरीके से अपनी फैमिली के साथ रह सके, उसको पूरा करने में हम उनकी मदद कर सकें। और 3% जो मैं कहता हूँ कि आज पाकिस्तान में फाइनेंशियल कॉस्ट कैबोर 7% है, 2% ऊपर लेते हैं, 6% फेडरल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है ऑन एवरी इंस्टॉलमेंट ईयरली, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और स्पेशली यंग प्रोफेशनल्स, यंग स्किल्ड लोग, अनस्किल्ड लोग इससे फ़ायदा उठाएं और ये लोन लें और अपने अपने मकान खरीदें। शुक्रिया।